हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पलाश कुमार, स्वागत है हमारे चैनल पलाश ट्यूब पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं डे 46। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ड्यूटी की वजह से थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा है, इसलिए कंटिन्यू मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपका टारगेट कभी भी नहीं छूटेगा। मैं रहूँ या ना रहूँ, आपको टारगेट मिलता रहेगा। इतना मेहनत मैं कर चुके जाता हूँ और हमारे टीम के जो भी मेम्बर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, सपोर्ट करते रहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने पहले ले लेते हैं कुछ डाउट्स, जो कल के वीडियो में मैं नहीं था तो डाउट्स क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन आज कर दूँ। BSSC में मेडिकल फिजिकल या हाइट होता है क्या, किसी पूछा था ऑनलाइन स्टडी भाई। तो ऑनलाइन स्टडी भाई, BSSC में ना ही मेडिकल्स होते हैं और ना ही फिजिकल होता है और ना ही कोई हाइट का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि वो टोटली क्लर्कियल जॉब आता है। और बात करें अगर लेवल 7 CAGL में, तो CAGL में भी ऐसा कुछ नहीं आता भाई, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका स्टडी होना चाहिए बढ़िया तरीके से, मेरिट होना चाहिए, अच्छे स्कोर होने चाहिए एग्ज़ाम में, बस एनफ है। दूसरी बात पूछे हैं मनीषा सिंह ने, बिगिनर जो है क्या वो PYQ के सेट्स ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन का, या फिर किस बुक से प्रैक्टिस करें। तो बहन, आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हैं, अभी आप 2400 टारगेट नहीं कर रहे हैं, NTPC की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ये बुक लेने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप प्रीवियस ईयर का जो बुक है वो सेट वाइज ना लेके चैप्टर वाइज ले लो, क्योंकि सेट वाइज में मिक्स क्वेश्चंस आते हैं और आपके सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुए होंगे तो आपसे 25 में 10 क्वेश्चंस भी ठीक से नहीं बनेंगे, फिर आपको डिमोटिवेट होने लगेगा। इसलिए आप क्या करो, चैप्टर वाइज ले लो। चैप्टर वाइज में लेने से क्या है, डेली आप चैप्टर दो दिन में, तीन दिन में एक चैप्टर ख़त्म करते हो, फिर उस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद फिर उस बुक से आप प्रैक्टिस करोगे, फिर क्वेश्चंस आपको डाउट्स होगा तो फिर आप पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन सेट वाइज अभी नहीं है, सेट वाइज उनके लिए है जिन्होंने एक बार चैप्टर वाइज बना रखा है, जिन्होंने कम से कम 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, अब उनका मैथ में अच्छा पकड़ हो गया है, ठीक है, लगभग सिलेबस उनका निपट हो गया है 70%+। एक भाई ने पूछा, सीने के ऑपरेशन अगर पुराना है तो दिक्कत होगा क्या। भाई, अगर सीने में ऑपरेशन हुआ है और बहुत पुराना है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी फिट होंगे। बस एग्ज़ाम के टाइम में या फिर आपके DB मेडिकल के समय में अगर कोई नया ऑपरेशन या सर्जरी हुआ होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, वो बोलेंगे कि अभी रीमेडिकल में आने के लिए बोलेंगे, ठीक है। SC के लिए सेफ स्कोर NTPC CBT 1 में, भाई अभी कोई भी मैं प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता ये CBT 1 के कट ऑफ को लेकर या CBT 2 के कट ऑफ को लेकर, क्योंकि ना ही अभी वैकेंसी आई है और ना ही नोटिफिकेशन गिरा है और ना ही अंदाज़ा है कि कितने लड़कों ने फॉर्म भरा है और ना ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना वैकेंसी है पर सीट और अंदाज़ा लगा पाएंगे। दूसरी बात, एग्ज़ाम्स से पहले अगर कोई आपको कट ऑफ बता रहा है, वैकेंसी आने से पहले कट ऑफ बता रहा है, तो वो पागल बना रहा है आपको। उस तरीके से आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पे फोकस करो भाई, कट ऑफ के चक्कर में नहीं रहो। बस टारगेट रखो कि प्री में मेरे को 70 से 75% स्कोर करना है और मेंस में 80% से 85% या 90% तक भी स्कोर अगर कर सकते हो तो करना, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी नहीं ला सकता सेलेक्शन लेने से, ठीक है। एक भाई ने पूछा है कि मैट्रिक में मेरे 49% है, क्या मैं सिलेक्शन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हूँ। मैट्रिक से कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ पास होना चाहिए भाई। आप पास हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। CBT 1 क्वालिफाई परसेंटेज क्या होता है, तो CBT 1 के क्वालिफाई परसेंटेज ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आप इतना परसेंट लाओगे तो CBT 1 क्वालिफाई हो जाओगे। वो कंपटीशन के आधार पर, अगर मान लेते हैं कि 1000 वैकेंसीज होंगे तो उसके 7 गुना उनको रिजल्ट देना है, ठीक है। तो 7000 रिजल्ट वो देंगे, तो 7000 रिजल्ट अगर देंगे तो आप अगर मान लो 50 लाख लड़के हैं तो उसमें से 7000 लड़के वो चुनेंगे मेंस के लिए। तो मेंस के समय में जो भी लड़के चुने जाएंगे वो स्कोर के आधार पर चुने जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है। आपके स्कोर अच्छे होने चाहिए, 75% के करीब में आप लाने का प्रयास करो CBT 1 में, क्वालिफाई हो जाओगे CBT 2 के लिए। और CBT 2 में बस मेहनत करना, क्योंकि पूरे मेहनती लड़के ही बैठने वाले हैं CBT 2 में और वहाँ पर धुआंधार कंपटीशन रहता है, क्योंकि भीड़ CBT 1 में होती है, CBT 2 में भीड़ नहीं होती है, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ होता है। एक एक नंबर के लिए आप कई रैंक पीछे चले जाते हो और सिलेक्शन से दूर चले जाते हो, ठीक है। पेपर सेक्शन वाइज होता है या फिर पूरे मार्क्स होते हैं, तो पेपर जो होता है वो सेक्शन वाइज नहीं होता है, मिक्स क्वेश्चन से रहता है। आप 50 नंबर भी लाओगे, अगर कट ऑफ 50 पे गई है तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। आप 90 नंबर भी लाओगे, कट ऑफ 90 पे गई है तो भी क्वालिफाई कर जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपके मैथ में 10 नंबर ही आए और GK में पूरे 40 नंबर आ गए तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। किधर से भी कितना नंबर लाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सेक्शन वाइज कुछ भी इससे नहीं होता है, ठीक है। पेपर हिंदी में होगा या नहीं, भाई पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। NTPC
का जो एग्ज़ाम है वो एक साथ ही होगा क्या सभी लेवल का, ये क्वेश्चन था एक बार। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो जब फॉर्म भरेंगे तो एक साथ ही फॉर्म भरेंगे, क्योंकि एक बार फॉर्म फिल करने के बाद आप बस सबके लिए एलिजिबल हो जाएंगे ग्रेजुएट हैं तो। अगर इंटर लेवल के हैं, सिर्फ 12th पास हैं, तो सिर्फ 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, 4 पोस्ट के लिए। और एग्ज़ाम की बात करें तो CBT 1 सबके लिए सेम होता है पहली बार। CBT 2 में हर लेवल के लिए अलग अलग पेपर देने पड़ते हैं। लेवल 2 का अलग पेपर होता है, लेवल 3 का अलग पेपर होता है, लेवल 4, 5, 6 का भी अलग पेपर होता है। ठीक है, तो अभी सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। एक और अनु शर्मा का कोई डाउट्स है कि डाउट्स कैसे पूछे, अभी नया ज्वाइन किया हूँ आपका यूट्यूब को। तो अनु शर्मा जी, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए हमारा, और टेलीग्राम चैनल के साथ डिस्क्रिप्शन ग्रुप को भी ज्वाइन करिए। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, 300+ बच्चे हैं, वो डेली आपके डाउट्स को देखते हैं, क्लियर करते हैं आपस में, बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं वो। मैं देखता हूँ, मुझे खुद टाइम नहीं मिलता है लेकिन मैं देखता रहता हूँ, नोटिस सब कुछ करता हूँ। तो आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लो। बाकी पर्सनल कुछ मेरे से डाउट पूछना है तो आप DM पर DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। इसके अलावा आप जो लाइव सेशंस होते हैं संडे को या सैटरडे को, उसमें भी आप ज्वाइन करके यूट्यूब पे कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर लैपटॉप का मैं अरेंज कर पाऊँगा तो लैपटॉप पे गूगल मीट पे वीडियो लाइव कॉन्फ्रेंस करूँगा, जिसमें जितने भी बच्चे जुड़ेंगे वो सामने से अपना डाउट्स पूछ सकेंगे और मैं भी पहचान सकूँगा कि हाँ वो कौन बच्चा है बोल के। क्योंकि थोड़ा सा जान पहचान होगा तो आगे चल के बहुत सारा अच्छा गाइडेंस मिलेंगे, और हमेशा ही जब सिलेक्शन होगा तो मिलेंगे आपसे फिर एक बार गूगल मीट पे, जरूर इंटरव्यू लेंगे अपने चैनल पे, सबको सबका सक्सेस स्टोरी जरूर दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। आज है आपका डे 46। 45 तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। मेंस्ट्रुएशन में कल आपने इक्विलेटरल टैगिंग पढ़ा होगा, ठीक है। आज आपको क्या करना है, ICCLS पढ़ना है। तो ICCLS के लिए मैंने बहुत सारे टीचर्स की जो प्लेलिस्ट है वो आपको ग्रुप में भिजाया है। आप जहाँ से भी पढ़ना चाह रहे हो, जहाँ से भी आपको पसंद हो, फ्री में या फिर पेड कोर्स आपके पास है वहाँ से आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप बुक से पढ़ रहे हो तो भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आज आपको पढ़ना है ICCLS ट्रायंगल, इसकी पूरी प्रॉपर्टी, इसके एरिया, पैरामीटर, जो भी है, जितने फॉर्मूले यहाँ से क्रिएट हो सकते हैं उन सभी को पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको बताया हूँ, या तो यूट्यूब पे फ्री वीडियो लेक्चर देखो। वीडियो लेक्चर के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, पवन राव सर, पूरे फ्री वीडियो को पढ़ा रखा है उन्होंने, ठीक है। या फिर अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करते हो तो ब्रह्मास्त्र को फॉलो करो। ब्रह्मास्त्र में सारी चीज़ें, कंसेप्ट जो है लाइन से लिखी रखी है, आपकी मर्ज़ी है आप जैसे पढ़ो, ठीक है। बस सिलेबस कंप्लीट करना है तो करना है। अब अगर बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग जो है आपके चरम सीमा पर है, वो ख़त्म ही होने वाला है। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे। तो स्टेटमेंट जो कंक्लूजन का जो भी बचा खुचा पार्ट है वो आप ख़त्म करने का प्रयास करो। अजम्पशन ख़त्म कर लिया होगा आपने, कंक्लूजन ख़त्म कर लो। तो कंक्लूजन में आपको क्या करना है, आज 201 से लेके 400 तक बनाना है। 120 मिनट का टाइमर लगा लेना स्टॉपवॉच में या फिर आपका टाइमर जो भी है, और उसके अंदर ये क्वेश्चंस सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है। 28 क्वेश्चंस 2 घंटे में बनाना है आपको, ठीक है। बात करें कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन आपको डेली करना है, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। कैलकुलेशन जो है आपको डेली 60 मिनट का करना ही करना है, और कैलकुलेशन करने के साथ साथ आपको जो भी अर्थमेटिक का जो भी फार्मूला आपको याद रखने का मन है वो फार्मूला को आपको रिवाइज भी करना है, क्योंकि अब अर्थमेटिक ख़त्म हो गया है तो आपको डेली रिवीजन करना ही पड़ा होगा। नहीं करोगे सब कुछ भूल जाओगे भाई मेरे, ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं लो। अब बात करें जीके की, तो जीके में अगर बात करें इतिहास की, तो इतिहास में ब्रिटिश जो है आगमन पढ़ा था हमने। आज आप पढ़ोगे ब्रिटिश एंड मैसूर, मतलब ब्रिटिश और मैसूर का जो संबंध है, उसके लिए मैं वीडियो लेक्चर भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख लेना, ठीक है ना। अब इसी के अंदर आपको युद्ध मिलेंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन से युद्ध मिलेंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये आंग्ल मैसूर युद्ध जो है पहला द्वितीय और तृतीय, इन दोनों को, तीनों को पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको ये भी पढ़ना है कि इन तीनों युद्ध के लिए कौन कौन सी संधि हुई थी, जैसे मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये तीनों भी पढ़ना है। छोटा टॉपिक है आज, ज़्यादा इतिहास में नहीं दे रहा हूँ, 1 घंटे में आप निपटा सकते हो, ठीक है। बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आपको अब इंडियन ज्योग्राफी आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। इसके साथ साथ एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो
कंट्री कैपिटल और करेंसी है ना, उसको हम स्टडी जीके के अंदर पढ़ेंगे डेली, ठीक है। तो आज से इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है, तो आपको पढ़ना है बेसिक जो भी भौगोलिक परिपाटियाँ हैं, बेसिक ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ साथ भारत के जो पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी बोलो या नेबर कंट्री, नेबर पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना है, कितना किसका डिस्टेंस है, कितना किसका क्षेत्रफल है, कितना वो लगा पड़ा है देश से, इंडिया से, ठीक है। इसके साथ ही समुद्री सीमा, मतलब कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करती है और कितनी लंबाई है समुद्री सीमा की, सीमा रेखा पढ़ना है, जैसे रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, ये सब, ठीक है ना, सीमा रेखा, डुरंट रेखा। और इसके साथ साथ एक चीज़ और पढ़ना, वो होता है अंतिम पॉइंट, मतलब अंतिम बिंदु, ठीक है। अंतिम बिंदु मतलब जैसे इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, ये सब कहाँ कहाँ है, तो ये चार चीज़ें बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। आधा आज आप बेसिक पढ़ो, फिर उसके बाद कल देखेंगे आधा, इतना ही पढ़ना काफ़ी है, ठीक है। बात करें अगर पॉलिटी, तो पॉलिटी में अभी आर्टिकल पढ़ रहे हो, आर्टिकल का आज शायद हमारा डे 4 है, तो डे 4 में आपने बहुत सारे आर्टिकल सीखी होंगी। वीडियो लेक्चर मैं देता हूँ, एक बिहार के अच्छे टीचर हैं, उनका टीचर, इनका 3 पार्ट में वीडियो है, ठीक है ना, पार्ट 1 2 3, 3 पार्ट में वीडियो है, आप जब भी मन करे आप देख के ख़त्म करो, नोट्स बनाओ या फिर रिमेम्बर करो। उनका पढ़ाने का तरीका जो है मेरे को बहुत पसंद आया था, क्योंकि मैं जब CGL की तैयारी कर रहा था तो उनसे मैं बहुत अच्छे तरीके से ये आर्टिकल पढ़ा था, और NTPC के टाइम में मैंने पूरी वीडियो को चट कर दिया था, ठीक है। तो आप भी पढ़ लेना बढ़िया तरीके से, और बाकी बुक जो है लुसेंट है, लुसेंट के जितने भी पीछे दे रखे हैं इंपॉर्टेंट, उन सबको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें कोई भी कताई नहीं बरतनी है, ठीक है दोस्तों। बात करें जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसके टॉपर्स को जो हमारा बुक गिव अवे करना था, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मेरे पास पूरा पार्सल करके रखा पड़ा है विक्की राज, रोहित राज और उनके नाम से, नीतीश कुमार के नाम से, लेकिन ड्यूटी का टाइम ऐसा है ना भाई कि मेरे को पोस्ट ऑफिस जाने का टाइम नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन आज मैं कंपलसरी रूप से आपका काम कर दूंगा, उसके लिए चिंतित मत होना। इस महीने के आज शायद 20 तारीख है ना, तो 10 दिनों के अंदर आपके पास बुक पहुंच जाएगा, क्योंकि 5-7 दिन स्पीड पोस्ट में लगता ही है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, सबके पास जो भी मेरे पास बुक्स रिक्वायरमेंट थे उसको भिजा दिया हूँ मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाला है, नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो आपका डे 50 जैसे ही समाप्त होगा, डे 50 ख़त्म होने के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। डे 50 जैसे ही कंप्लीट होगा आपके टेस्ट हो जाएंगे, तो आप डे 50 के बाद टेस्ट देने के लिए तैयार रहना। ये मेगा टेस्ट होगा, ठीक है, मेगा टेस्ट होगा, जिसमें इस टेस्ट में क्या है बता रहा हूँ मैं, इस टेस्ट को कौन कौन दे सकता है। NTPC की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो देंगे, टेक्नीशियन वाले देंगे, RPF वाले भी देंगे और ALP वाले भी देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे वो भी देंगे। हम सभी को उनके एग्ज़ाम्स के अनुसार अब बुक प्रोवाइड कराएंगे, और हमारे पास जो भी बुक लिस्ट है वो हम आपको ऑलरेडी पहले प्रोवाइड करा देंगे, उसके बाद आप अपने चॉइस बता सकते हो, ठीक है ना। तो इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, लाइक कभी नहीं करते हो, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, सिर्फ वीडियो देखते हो बस हो गया, इसलिए थोड़ा यार लाइक करो यार, मेरे को मेहनत को भी सपोर्ट करो। डाउट्स के लिए क्या करो आप, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर पर्सनल डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर अपने डाउट्स को मैसेज कर सकते हो, डाउट्स को अपने मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर हम डायरेक्ट रिप्लाई देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और जो भी है आप अच्छे से मेहनत करो, डे 50 नज़दीक ही है, आज 46 हो गया, 4 दिन के बाद डे 50 ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद टेस्ट होने को है, इसलिए आप रेडी रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।